महाकाल की नगरी उज्जैन में महाकाल ज्योतिर्लिंग के अलावा 84 महादेव भी स्थापित हैं, जिनका अपना अपना अलग महत्व है। इन 84 महादेवों के दर्शन करना बेहद लाभकारी होता है। आइए जानते हैं इन 84 महादेव के महत्व एवं इनके इतिहास के बारे में। उज्जैन के गंधवटी घाट पर स्थित कामेश्वर महादेव 84 महादेवों में 13वें नंबर के महादेव हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार ब्रह्मा जी ने सृष्टि की उत्पत्ति के लिए ध्यान किया, उनके अंश से काम उत्पन्न हुआ। ब्रह्मा जी ने सृष्टि उत्पन्न करने के लिए प्रजापतियों को उत्पन्न किया, परंतु उन्हें इस कार्य में अशक्त देखकर कामदेव को इस कार्य हेतु आज्ञा दी। इस पर कामदेव अदृश्य हो गए। तब ब्रह्मा जी ने श्राप दिया कि तुम शिव के क्रोध से भस्म हो जाओगे। तब कामदेव घबराकर फिर ब्रह्मा जी के पास गए। तब ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, तुम निम्न 12 स्थानों पर अनंग होकर रहोगे। स्त्रियों के कटाक्ष, केश राशि, जंघा, स्तन, नाभि, जंघामूल, अधर, कोयल की कूक, चांदनी, वर्षाकाल, चैत्र और वैशाख का महीना। इसके साथ स्त्रियों को लेकर कामदेव ने जगत को वशीभूत कर लिया। स्त्रियों के कारण ही दैत्यों और कामलोलुप मनुष्यों का पतन होगा। उन्होंने कामदेव को फूलों का धनुष और पंच बांध दिए। मन में उत्पन्न होने वाला कामदेव अपनी पत्नी रति के साथ मछली का ध्वज लगाकर संसार के सब प्राणियों को जीतने के लिए चल पड़ा। वह शिवजी के पास पहुंचा। शिवजी ध्यानमग्न थे, तब वह उनके हृदय में प्रविष्ट हो गया। शिवजी का मन चंचल हो उठा। उन्होंने विचार कर देखा कि कामदेव उनके हृदय में उपस्थित है। उन्होंने दहन करने का सोचा। तब कामदेव सामने एक आम के वृक्ष के नीचे आकर खड़ा हो गया। उसने शिवजी पर मोहन नामक वान छोड़ा। इससे क्रुद्ध होकर शिवजी ने अपने तीसरे नेत्र की ज्वाला से उसे भस्म कर दिया। उसे जलते देख उसकी पत्नी रति रोने लगी। तब आकाशवाणी हुई कि तुम रो मत और शिव की उपासना करो, इससे तुम्हारा पति पुनः जीवित हो जाएगा। तब रति ने शिवजी की प्रार्थना की। शिवजी ने कहा, इसने मेरे मन को विचलित किया था, इस कारण मैंने इसे भस्म कर अंग रहित कर दिया है। यह अनंग रूप में महाकाल वन में जाकर शिवलिंग की उपासना करे। तब कामदेव ने अवंतिका में आकर एक लिंग की उपासना की। तब शिवजी ने प्रसन्न होकर कहा, तुम अनंग होकर भी कार्य में समर्थ रहोगे। कृष्णावतार के समय तुम रुक्मणी के गर्भ में प्रद्युम्न के रूप में जन्म लोगे। कामदेव द्वारा पूजित इस कामेश्वर लिंग के दर्शन पूजन से ऐश्वर्य, भोग, आरोग्य, संतति आदि प्राप्त होते हैं। चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को उसकी उपासना करने से देवलोक प्राप्त होता है। चौरासी महादेवों के महत्व को जानने के लिए और उनके साक्षात दर्शन के लिए हमारे YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें, ताकि बाकी लोग भी इसके महत्व और इनकी महत्ता के बारे में जान सकें। ओम नमः शिवाय।